एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए कड़ी पकौड़े वाले बनाने जा रही हूँ। इसको पंजाबी कड़ी भी बोलते हैं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कड़ी बनती है, अलग अलग रीजन में उसका स्वाद भी अलग होता है और बनाने का तरीका भी अलग होता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर जगह कड़ी बनाते हैं। लेकिन सिंधी कड़ी भी बनाई जाती है, लेकिन उसका भी तरीका अलग होता है और टेस्ट में भी वो काफी डिफरेंट होता है। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ डिश विच इज कॉल्ड कड़ी, इन विच आई बेसिकली यूज्ड कर्ड एंड चिकपी फ्लास। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट एंड हाउ डू आई मेक इट। दिस इज वेरी टेस्टी डिश एंड यू कैन हैव इट विद राइस। आधा लीटर का मैंने दही लिया है, ये खट्टी दही है क्योंकि खट्टी दही से अच्छी कड़ी बनती है। उसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और ये साबुत धनिया का इस्तेमाल करेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए हम अलग से बेसन लेंगे, 2 प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। टू मेक पकौड़ा इन द करी आई एम यूजिंग दिस ग्राम फ्लावर विच आई टेक इट सेपरेटली, अनदर 50 ग्राम्स, देन 2 चॉप्ड अनियंस, 1 ग्रेटेड जिंजर एंड 2 to 3 ग्रीन चिलीज आई बी एडिंग इट टू मेक पकौड़ा एंड आई एड इट इन द करी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी द प्रोसीडियर हाउ आई एम डूइंग इट। फॉर दिस आई विल मैरिनेट फर्स्ट the curd. So I'm taking the curd in this. I'm adding 1 teaspoon of turmeric, 1 teaspoon red chili powder, this is Kashmiri red chili powder, 1 teaspoon garam masala, ye garam masala hai, namak swad anusar और ये 3 बड़े चम्मच बेसन के मिला देंगे। दिस इज कोरिएंडर सीड विच आई बी जस्ट लिटिल बिट इन बेसन। ये 1 चम्मच धनिया मैंने इसको डाल दिया है। नाउ आई लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स दिस मैरिनेटेड कर्ड बिफोर आई स्टार्ट कुकिंग। Approximately a glass of water should be added because when we boil it, the batter will become thicker. So we have to add little bit of water in it. Now keep aside this marination for some time and let it rest for 15 to 20 minutes. Now to make pakodi, add gram flour. ये बेसन ले लिया है हमने 3 बड़े चम्मच, 1 इंच ग्रेटेड अदरक है या ग्रेटेड जिंजर, स्लाइस्ड अनियन, ये 1 प्याज, ग्रीन चिलीज, ये 2 हरी मिर्चें हैं, बिट ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नॉट मच, जस्ट 1/2 टीस्पून, दिस इज कैरम सीड, ये अजवाइन है। जब भी हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं और फ्राइड बनाते हैं, स्पेशली बेसन का, तो ये डिजेशन में हेल्प करता है। कैरम सीड हेल्प्स इन डिजेशन, स्पेशली व्हेन वी मेक समथिंग आउट ऑफ ग्राम फ्लोर फ्राइड थिंग्स, दैट इज व्हाई इट इज मस्ट टू ऐड। एंड नाउ सॉल्ट टू टेस्ट, ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर इन इट टू मेक अ थिक बैटर। नाउ गैस को हमने ऑन कर लिया है, कर्ड को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। लेट टू बॉइल इट नाइसली एंड कंटिन्यूसली स्टर इट सो दैट देयर इज नो लंप इज फॉर्म्ड। ये गुठलियां नहीं बन जाए उसके लिए हमें लगातार इसको चलाते हुए उबालना है। दूसरी साइड हम पकौड़े तल लेंगे, उसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है, उसमें तेल डाल देते हैं। इधर तेल गर्म हो गया है, अब मैं पकौड़े भी बना लेती हूँ। ये देखिए पकौड़े हमारे कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये बिल्कुल क्रिस्प है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से सारे पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में मैंने यहाँ
यहाँ पे लहसुन डाल दिया है. दिस इज थ्री गार्लिक, लिटिल बिट ऑफ एसाफेटिडा, दिस इज हींग, ये हींग है, एक चौथाई चम्मच हम डाल देते हैं. दिस इज टू टू थ्री ड्राई रेड, दिस इज कोरिएंडर होल हाफ टी स्पून, क्रश्ड इट. Now we'll fry till the onion becomes golden brown. Curry. Now you see, it looks so beautiful. Now I'll be adding this pakoras we have already fried it. Now switch off the gas. Now this is ready to serve. अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें एक चम्मच देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने हेल्थ की वजह से इसको ऑलिव ऑयल में बनाया है, लेकिन आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तेल का इस्तेमाल आप डेली यूज करते हैं, टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा. नाउ द कड़ी इज रेडी टू सर्व.